Lulu, look at it up. आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा। तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? पूनम सिंह। तो पूनम जी से आपकी शादी हुई, ये विशेष परिस्थिति में शादी कैसे हो गई? आप मुस्लिम हो, वो हिंदू, तो परेशानी हुई? प्यार नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्यार हुआ, प्यार जो है अपना, शादी जो है हम लोग किए। तो जाति धर्म की दीवार आपने ढहा दी, तो कोई परेशानी, कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा? थोड़े समय के लिए परेशानी दोनों तरफ से हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है माहौल बढ़ते सही होते गया। आपकी पत्नी करवा चौथ मना रही है पूरी धूमधाम से, कितना सहयोग आपका रहता है? कोई आपत्ति नहीं होती? कोई हमें आपत्ति नहीं है, 101% हम जितना होता उतना करते हैं। आपका नाम क्या है? पूनम सिंह। तो आपके पति का नाम? मोहम्मद मुस्तफा अंसारी। तो मुस्तफा जी मुस्लिम है, आप हिंदू है, तो शादी कैसे हुई है? जी मैंने मैं हॉस्पिटल में, मेरे पापा रेलवे एम्प्लॉय थे, उनकी तबीयत खराब हुई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और इनके पापा भी रेलवे एम्प्लॉय थे, वो भी हॉस्पिटल में ही थे, वहीं से हमारी जान पहचान हुई, जान पहचान प्यार में बदल गई, उसके बाद फिर हमने शादी कर ली। अच्छा, आपके प्यार में कभी मजहब धर्म आड़े नहीं आया? कभी नहीं आया, क्योंकि ये मुझे मंदिर तक लेके जाते और मैं इनके साथ कहीं भी जाऊँगी, मस्जिद जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं हर जगह जाऊँगी, क्योंकि इनका प्यार है, इनके प्यार के आगे सब कुछ है। शिव शंकर और पार्वती के प्यार की मिसालें दी जाती हैं, और शायद यही वजह है कि भोलेनाथ की नगरी काशी के रोम रोम में प्रेम बसता है। और ऐसे ही एक प्रेम का उदाहरण वाराणसी का एक जोड़ा देता है, जिसने धर्म से ऊपर उठकर दिल के रिश्ते को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा है। करवा चौथ जैसे त्यौहार को मनाकर ये जोड़ा इस बात का उदाहरण दे रहा है कि अगर एक दूसरे से दिल मिल जाएं तो धर्म मायने नहीं रखता। अनिमा द्विवेदी, ईडीवी वाराणसी।